किसने सवाल किया है कि कव्वाली किस हद तक सुन सकते हैं, कव्वाली पढ़ने वाला यानी कव्वाली पढ़ने वाला कैसा होना चाहिए और कौन सी कव्वाली सुनना नाजायज है। ये सवाल अजीबोगरीब है। पहले ये पूछें कि कौन सी कव्वाली सुनना जायज है, पूछते बिल्कुल हैं कौन सी कव्वाली नाजायज है। समझा? एक बात है, ये जो कव्वाली सुनना चाहते हैं उनसे मैं सवाल करता हूं कि इसका फायदा क्या, वो बताइए आप। कव्वाली आप क्यों सुनना चाहते हैं? इसलिए कि इंसानों की चंद किस्में हो सकती हैं, कव्वाली सुनने वाले भी उसमें दाखिल हो जाएंगे। कुछ लोग वो हैं जो तालिबे मौला है, कुछ लोग वो हैं जो तालिबे उकबा है, कुछ लोग वो हैं जो तालिबे दुनिया। अब ये सवाल हमसे कौन कर रहा है? तालिबे मौला अगर कर रहा है तो उसका जवाब कुछ और होगा, तालिबे उकबा अगर कर रहा तो उसका जवाब कुछ और होगा, और तालिबे दुनिया अगर इस वक्त सारी दुनिया में ज्यादा कौन है? तालिबे दुनिया अगर सवाल करेगा तो उसको तो पहले हम ये सुना देंगे अदुनिया जीफतुन तालिबुल कलाम, दुनिया एक मुड़ता है उसके तालिब कुत्ते हैं। अब ये तालिबे दुनिया से पूछ रहा, तो अब ये बताओ कव्वाली सुनने वाले जो हैं वो किस खाने के हैं, तालिबे दुनिया, तालिबे उकबा या तालिबे मौला। किस खाने के हो, और जो सुनना चाहते हैं उससे उनका क्या फायदा? ये तो इस्लाम का कोई बुनियादी उसूल है नहीं कि मुसलमान जो है वो कव्वाली सुने, ऐसी कोई बात नहीं। समझे? ज्यादा ज्यादा मुबाहात के दर्जे में बात आती है, मगर ये सवाल आपने जो कहा मेरे ख्याल में इसका जवाब ये रहेगा जो शेख सादी ने दिया था कि कव्वाली के बारे में पूछना चाहे तो सुनने वाले को सामने लाओ तो मैं बता दूंगा। सुभान अल्लाह, बिल्कुल अब सुनने वाले तीन किस्में होते हैं, तो आप खुद फैसला करें आप क्या हैं। आप तालिबे उकबा हैं, सिर्फ उकबा ही के ख्याल में हैं, सिर्फ आखरत ही की भलाई चाह रहे हैं, दुनिया तरफ की तरफ आपकी तवज्जो ही नहीं हो रही है, या आप तालिबे मौला हैं, मौला मौला के सिवा दुनिया का कोई जहन ही में नहीं। अब जाहिर है आप अपने को खूब पहचानते होंगे कि आप क्या हैं, या तालिबे दुनिया अगर आप हैं सिर्फ दुनिया ही दुनिया में, तो ये कव्वाली के पीछे कहाँ पड़े हुए हैं? ये भी तो एक दुनिया ही है, आप उस दुनिया से तो बाहर नहीं है। इस तरह के सवालात तो वही करें जो पहले अपनी जगह मुतय्यन कर लें कि हम हैं क्या, और इन हाल में हमारी हैसियत क्या है, फिर उनको सही जवाब मिलेगा कि आपके लिए हराम है, आपके लिए मकरूह है, आपके लिए मुबाह है,
ये सारी तफसीर वही बताएगा, पहले सुनने वाले को देखें, न सुनने वाला सही मिल रहा है न सुनाने वाले सही मिल रहे हैं। कानूनी जुबान बे लहल ही हलाल लगैर ही हराम। अरे भाई बताओ अहल कौन है, गैर अहल कौन है, ये भी तो समझाओ। तो अहल तो वही होगा जो तालिब उकबा हो, तालिब मौला हो। तो उन अहल वालों को तलाश करो, और जो जो अहल होते वो अपने को अहल नहीं समझते, गैर नहीं समझते। तो इतना जरूरी नहीं है कि हर अहल वाला मजलिस में जाके बैठे। आजकल मजलिसों का तो हाल ऐसा हो गया कि उसका मेयार इतना घटिया हो गया है कि न पढ़ने वाले सही न सुनने वाले सही। मैं तो समझता हूँ कि आज की जो मौजूदा कव्वालियाँ हैं ये सब नाजायज़ हैं, ये सब नहीं होना चाहिए, इसके जो शरायत हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे। कम अज कम इतना तो शर्त हो कि आपकी महफिल में एक ऐसा कामिल शख्स हो जो आपके तसव्वुरात को बहकने ना दे, आपके जिनो दिलो दिमाग पर उसका कब्जा हो, तो उसकी मैयत में आप बैठ सकते हैं कि बचाने वाला तो सामने बैठा ही हुआ। मगर सब वैसे ही हो, न वजू का ख्याल, ना नमाज का ख्याल, ना ये वो। तो जिनके लिए उलमा ने मुबाह जायज किया है, अब वही लोग उनका नजर आ रहे हैं, अब वही देखने में नहीं आ रहे हैं। तो ये वक्त का कोई ऐसा मसला नहीं है जो हम गौर करें। बस यही है कि अगर आप पैरवी करना चाहते हैं इस मसले में, बाज़ बुजुर्गों के ताल्लुक से है कि वो सुनते थे और वाकई वो उसके अहल भी थे, और उनके साथ जो सुनते थे उनकी वो हिफाजत करते थे। ये आम कव्वालियाँ जो बाजारी कव्वालियाँ, और ये बाजारी लोग आके कहते हैं ये कव्वाली और है, हजरत अमीर खुसरो की कव्वाली और है, उसको इस पर ना चश्मा कीजिए। इनका सुनना और है, उन बुजुर्गों का सुनना और है। लिहाजा ये मसला वक्त का कोई अहम मसला है भी नहीं, और इस पर ना गौर करना चाहिए। हाँ, फिकही तौर पर अगर आप इसका जवाब समझना चाहते हैं तो उलमा आपको समझाने के लिए काफी। सुभान अल्लाह। तो अज़ीज़ान मिल्लत, हजरत शेख सादी रजी अल्लाह तआला अन्हो के एक जुमले की रोशनी में हजरत ने हमारी बड़ी अच्छी रहनुमाई फरमाई कि हमें कव्वाली के ताल्लुक से ये देखना होगा कि जो कव्वाली सुन रहा है वो किस कैटेगरी का है, वो दुनिया को तलब करने वाला है या आखिरत को तलब करने वाला है या तालिबे मौला है, मौला का तलबगार है, वो उसकी कैटेगरी क्या है। और ये इंसान खुद समझ सकता है कि मैं कितने पानी में हूँ। हर इंसान अल्लाह और उसके रसूल, और वो इंसान खुद अपने आप को सबसे अच्छा जानता है, और उससे ज्यादा उसको उसके उसका खुदा और उसके रसूल जानते हैं। और मैं अक्सर ये शेर कहा करता हूँ कि नजा जाहिर परस्ती पर अगर कुछ अक्लो दानिश है, नजा जाहिर परस्ती पर अगर कुछ अक्लो दानिश है, चमकता जो नजर आए सभी सोना नहीं होता। अजीजान मिल्लत, बड़ी माजरत के साथ कहना चाहूंगा कि अक्सर आज की जो कव्वालियां होती हैं उनमें अक्सर हार जाता है, ऐसा लगता है कि अरे बहुत कहां से कहां पहुंच गए आप। जरा सा मैं कुछ तफरीहन ये जुमला कहना चाहूंगा, जरा सा ऐसे वक्त में उन्हें गुदगुदी लगाकर देख लिया जाए, पता चल जाएगा कि ये किस, अगर वाकई में वो हाल उसको आ गया है कमा हक कहूँ, तो उसको आप गुदगुदी किया तो दूर की बात है, आप उसके जिस्म पर काट भी देंगे उसको असर नहीं होगा। हाल का ये मतलब होता है, आज के हाल की तरह नहीं होता। तो अजीजान मिल्लत, हमें समझने की जरूरत है। मुख्तसर से इस गुफ्तगू में हजरत ने हमारी रहनुमा